युवा कांग्रेस सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं ने जलाया कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला। खबर सुल्तानपुर से है, जहां हाथरस जनपद की दलित बेटी के साथ गैंगरेप करने व उसे जान से मारने वालों के विरुद्ध जल्द से जल्द सजा व त्वरित न्याय और उसके परिवार को हर संभव मदद शीघ्र देने को लेकर युवा कांग्रेस सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं ने जलाया कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला। सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूके जाने की बात जैसे ही पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र अधिकारी विजय मल सिंह यादव से की पूछताछ। हाथरस में हुई हैवानियत पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाया था यह आक्रोश। सरकार का योगी सरकार का पुतला इसलिए फूके हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाथरस की दलित बेटी के साथ जो सघन अपराध हुआ है उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। हम दोषियों के साथ की मांग कर रहे हैं, हम उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर कल विधानसभा के सामने हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कंस पांडे जी व उनके साथी प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल में डालने रात में जेल भेजने काम किया गया। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी प्लस उनके साथ 13 साथी लोग गिरफ्तार करके जेल भेज गए। हम इसके लिए कड़ी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में जो अपनी आवाज़ उठाता है, जो अपनी आवाज़ बंद करता है, सरकार उसको दबाने का काम कर रही है। उन लोगों को जेल भेज के ये साबित करना चाहते हैं कि जो लोग आज पीड़ित पर साथ खड़े हैं, सरकार उनको जेल में डालने का काम कर रही है। इसलिए आज हम जो कांग्रेस के साथ लोग मोदी योगी जी का पुतला फूके ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी तानाशाही इस प्रदेश में नहीं चलेगी। जब तक आपकी सरकार रहेगी निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की बालिकाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार राज्यपाल महोदय से हम ये मांग करते हैं कि योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए, जेल में बंद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्लस अन्य नेताओं को तुरंत रिहा।